कहते हैं सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं होता। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर यह कहावत बिल्कुल सही साबित हुई। अब तक चिराग जिस पार्टी के मुखिया की जिम्मेदारी संभाल रहे थे उस पर किसी और ने ही दावा ठोक दिया। जी हां, कुछ चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पार्टी पर हर तरह से कब्जा जमा लिया। उन्हें पार्टी के 6 में से 5 सांसदों का साथ मिला है, जिसके चलते पशुपति पारस लोकसभा में पार्टी के सदस्य दल के नेता भी बन गए। मामला इतना भर नहीं है। पशुपति कुमार पारस ने पूरे सियासी घटनाक्रम को लेकर खोलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मैंने पार्टी तोड़ी नहीं, बचाई है। भतीजे चिराग को लेकर उन्होंने कहा, वो चाहें तो पार्टी में रह सकते हैं। हालांकि अब चिराग पासवान के हाथ से बाजी फिसल चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, आखिर एलजेपी में जारी सियासी बवाल का बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा। यही नहीं, खुद चिराग पासवान के पास क्या विकल्प है कि वो कैसे फिर से पार्टी को खुद मजबूत कर सकेंगे, ये देखने वाली बात होगी। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।